हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शाह दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आऊँ यहाँ पे ये 350 वाट का एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों ये एम्पलीफायर सारे फीचर्स से भरपूर है, जैसे कि आप इसमें 6 माइक का इनपुट दे सकते हैं, यानी 6 माइक का इनपुट है, मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया में दोस्तों आपके पास ये ब्लूटूथ, USB और FM रेडियो सब कुछ मिल जाता है। माइक्रो SD कार्ड भी आप इसके अंदर यूज में ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें मिक्सर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस एम्पलीफायर में इको भी मिल जाए तो लीजिए, ये इको के साथ में आता है, इको रिपीट दोनों है इसके अंदर, तो मिक्सर का भी आपका खर्चा बचने वाला है। और यहां पे आप इसके साथ में हॉर्न प्लस स्पीकर प्लस यहाँ पे आप इसको बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो भरपूर होने वाला है ये पूरा का पूरा एम्पलीफायर। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको देखने को मिलता है एम्पलीफायर की बॉक्स पैकिंग। पैकिंग की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी गई है। यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन करा गया है RX 3500 DP BT इको वाला, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आप साइड में दे सकते हैं, यहाँ पे भी मेंशन है, यहाँ पे भी मेंशन है। फटाफट से चलिए इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये पोस्टर देखने को मिलता है न्यूट्रॉन और रियल ऑडियो का। इसके अंदर इसके साथ में दोस्तों एक वारंटी कार्ड मिलता है, और यहाँ पे एक ये रिमोट भी आपको जो है वो मिल जाता है। ये रिमोट मिलेगा दोस्तों, तो ये रिमोट आप इस एम्पलीफायर के साथ में यूज़ कर पाएंगे। और बाकी हमारा दोस्तों ये हो जाता है मेन यूनिट हमारा एम्पलीफायर। चलिए मैं इसको अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की फ्रंट की डिटेल्स, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल ऑडियो की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलाती है। मॉडल नंबर अगेन यहाँ पे मेंशन करा गया है। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो दोस्तों आपको ये हैंडल बार्स मिल जाते हैं। इसमें आपके पास माइक 1 से लेके आपको माइक 6 तक जो है वो ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ, जो कि आपके माइक 1 और माइक 2 है, ये दोस्तों ये जहाँ पे आप स्विच देख रहे हैं ये वाले, ये हो जाते हैं इको के साथ में, यानी 2 जो आपके माइक्रोफोन इनपुट्स होंगे, ये 2 1 और 2 ये आपके इको के साथ में आएंगे। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये 3 से लेके आपका यहाँ पे 6 तक, ये दोस्तों यहाँ पे आपके पास मल्टीमीडिया और साथ ही साथ ऑक्स के साथ में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मल्टीमीडिया है दोस्तों, उसके लिए भी आपको ये सिलेक्शन वाला स्विच जो है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो ये आपका 3rd नंबर पे काम करेगा। बाकी रहती है बात ये लास्ट के जो कि हमारे बचे जाते हैं 2, ये दोस्तों ऑक्सिलरी के लिए हमें काम में देखने को मिल जाते हैं, जिन पे यहाँ पे ये स्विच भी जो है वो मेंशन करा गया है। तो ये सारे स्विच हो जाते हैं, जिस भी आप मोड पे चलाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम नोब जो है वो एक ही काम करेगा। ये आपके पास माइक के इनपुट हो जाते हैं, ये हो जाता है इनपुट का सेक्शन क्लियर। बात करता हूं यहां पे आपको ये डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। बेसिकली दोस्तों ये डिस्प्ले मल्टीमीडिया प्लेयर के लिए है। अगर आप यहां पे ये USB वाले को अगर आप ऑन करेंगे, नीचे करेंगे, तो यहां पे ये डिस्प्ले होने जाएगी, जिसमें आपको FM ब्लूटूथ और USB और ये बड़ा वाला जो SSD कार्ड होता है वो इनपुट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे आपके पास एक रिमोट भी आपको पैकिंग में मिलता है, तो रिमोटली भी आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहां पे मैं बात करता हूं आपके पास मास्टर हो जाता है यहां पे इसमें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैनल में बताया कि आपको इको भी मिलता है, तो उसके 2 नोब कंट्रोल्स हो जाते हैं यहां पे आपके पास। बेस, मिड और ट्रिपल तीनों के जो है वो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये लेवल इंडिकेटर हो जाते हैं, ओवरलोड का इंडिकेटर, ऑन का, और ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है। साथ ही साथ ये जो आप देख सकते हैं ये रीसेट का बटन है, बाकी यहां पे ये हैंडल बार हो जाता है। ओवरऑल ये है इसका फ्रंट का लुक। चलिए बैक साइड भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करता हूं एम्पलीफायर के बैक साइड की डिटेल्स, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले फ्यूज देखने को मिल जाता है, उसके नीचे आप देख सकते हैं पावर कोड का इनपुट है। अगर मैं पावर कोड की बात करूं तो यहां पे दोस्तों ये जो है वो 3-पिन प्लग है। अब ये आपके इंडियन सॉकेट में इजिली इनपुट हो जाएगा, तो कोई इशू की बात ही नहीं आएगी। बाकी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पे आपके पास ये बैटरी का ऑप्शन आ जाता है। 24 वोल्ट DC का जो है वो इनपुट दिया गया है, तो आप बैटरी से भी इसको इजीली चला पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपके पास एंटीना का ये वायर लगाने के लिए एक ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे आपके पास कॉमन 70 और 100 वोल्ट दोनों के लिए ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, तो आप इसमें ड्राइवर यूनिट LMT वाले भी चला सकते हैं इजीली। बाकी यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास कॉमन 4-8 के जो है वो ऑप्शन हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो एक आपको ये मिल जाता है ग्राउंड के लिए, यानी अर्थिंग का आपको ये सॉकेट देखने को मिलता है। आप अर्थिंग दे सकते हैं इसको। बाकी
वेंटिलेशन थोड़ी सी दे रखी है ताकि हीटिंग प्रॉब्लम्स ना आए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था, काफ़ी सारे इनपुट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लाइन आउट है, प्री आउट है, यहाँ पे पास आपके पास ऑक्स वन ऑक्स टू हो जाता है, उसके अलावा भी लाइन इन हो जाता है, फिर यहाँ पे सीडी इनपुट भी हो जाता है, यानी आउटपुट और इनपुट भरपूर आपको दिए गए हैं। कुछ भी खराब हो जाए तो आपके पास हर एक ऑप्शन आपके पास मिलेगा। बाकी ओवरऑल ये है दोस्तों इसका बैक साइड का डिटेल्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए बाकी जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। और मेरा यहाँ पे दोस्तों हर एक एम्पलीफायर के साथ में मकसद यही रहता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हर एक चीज के बारे में जानना हो आपका, तो फिलहाल में मैं आपको इंटरनल पार्ट की क्वालिटी दिखा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे ये दो ट्रांसफॉर्मर। अब बेसिकली दोस्तों ये दो ट्रांसफॉर्मर होते किस लिए हैं, ये तो खैर होता है हमारा इनपुट का, और ये होता है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन करा गया है, ये है आउटपुट का। इस पे वायरिंग कनेक्शंस के जो स्टिकर्स हैं यानी वो भी डिटेल्स में मेंशन करा गया है कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। बाकी यहाँ पे ये पावर सप्लाई के कैपेसिटर्स हो जाते हैं आपके, और ये साइड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा रखे हैं ये ट्रांजिस्टर्स। अब बेसिकली ये ट्रांजिस्टर्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो होता है दोस्तों ये पूरी हीट सिंक होती है, यानी आप साइड में एक बार ही देख लीजिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो होती है दोस्तों ये एल्युमिनियम की हीट सिंक होती है पूरी। इसी पे जो है वो ट्रांजिस्टर को टाइट कर दिया जाता है ताकि जो हीटिंग हो और कूलिंग रहे वो बनी रहे बाहर से एयर से। और ओवरऑल ये मैं आपको बता चुका हूँ पावर सप्लाई है। यहाँ पे ये पूरा फ्रंट बोर्ड जो होता है जिसपे आप नोब्स जो है वो माउंटिंग हो रखे हैं, एलईडी इंडिकेटर माउंट हो रखे हैं, वो इसके पीछे होते हैं, सेफ्टी के लिए ये लगा दिया जाता है। तो वायरिंग की आप यहाँ पे फिनिशिंग देख लीजिए ताकि आपको एक बारी अंदाज़ा ज़रूर लग जाए कि किस टाइप से इस एम्पलीफायर को बनाया गया है। बकायदा हर एक चीज़ को यहाँ पे माउंटिंग सही से देखने को मिल जाता है मुझे, मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ सीधे सीधे तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज अंदर से ये बेहतरीन है। चलिए ये तो हो जाता है इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तो ये हमारा एम्पलीफायर अभी तैयार है। और कनेक्शंस की मैं बात करूँ कौन से लोड डाले हैं, यानी स्पीकर्स कौन से हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल में अगर मैं पीछे लोड की बात करूँ तो चलिए घुमा देते हैं पीछे। आप यहाँ पे लोड दे सकते हैं, मैंने चार ओम्स पर डाला हुआ है। बेसिकली जो है वो मेरे टॉप जो है वो सीरीज कनेक्शन में रह रहे हैं, तो यहाँ पे ये चार ओम्स पर मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। ब्लैक वाली वायर कॉमन में जाएगा, और अगर आप अपने हिसाब से कनेक्शन करें तो देख के ही करिए कितने ओम्स पे आपका कितना लोड जो है वो बन रहा है। फिलहाल में ये हो जाता है। स्पीकर्स की मैं बात करूँ तो एक आपका सीरीज में मैंने कनेक्ट करे हुए हैं, तो ये टोटल चार ओम्स ही बनेगा मेरे लिए। और फिलहाल में ये है हमारा एम्पलीफायर। चलिए पहले तो मैं ब्लूटूथ के साथ में ही हमारे फ़ोन जो है वो कनेक्ट करा हुआ है हमने, ब्लूटूथ के साथ में हम इसके टेस्टिंग देखेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये माइक्रोफोन की भी टेस्टिंग दिखा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देख
सो अभी तक आपने देखी म्यूजिक के साथ में टेस्टिंग इसकी कैसा परफॉर्मेंस करता है। फिलहाल में अभी हम बात कर लेते हैं माइक्रोफोन के साथ में टेस्टिंग। तो फिलहाल में अभी माइक्रोफोन को मैंने फर्स्ट चैनल पर कनेक्ट करा हुआ, फिलहाल में ये टेस्टिंग चल रहा है। आपको पता नहीं ये वीडियो कब मिलेगा, बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास चैनल वन और चैनल टू में, तो यहाँ पे आपके पास ये इको मिल जाता है आपको, और बाकी चैनल जो है वो दोस्तों सादे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे चैनल फोर हो गया, इसमें तो आपको ये यूएसबी पैनल का जो है वो ऑप्शन आ जाता है। चैनल आपके फाइव और सिक्स जो हो गए, इसमें आपका ऑक्स यानी पीछे से जो है वो आप ऑक्स इनपुट कर सकते हैं। सामने की साइड में तो आपको माइक्रोफोन्स के जो है वो जैक्स मिल जाते हैं। बाकी ये थ्री पूरा सादा रहेगा, आपको दो में ये जो कि डिले रिपीट होगा ये प्रॉपर मिलेगा, तो ये रहता है इसके अंदर। फिलहाल में मैंने वन में इनपुट करा हुआ है, और यहाँ से मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, और यहाँ पे जो कि अभी आप आउटपुट सुन पा रहे हैं ये इसकी है। ये देखते हैं, मैं यहाँ से डिले ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ से ये डिले ऑफ हो गया है, और ये है हमारे स्पीकर्स। फिलहाल में अगर मैं बात करता हूँ डिले ऑन करने के लिए, चलिए मैं डिले भी ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से ये आपका डिले ये ऑन हो गया, और अभी आप देख सकते हैं हेलो, और थोड़ा सा रिपीट बढ़ा देते हैं, ये देख सकते हैं आप हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 हेलो, यहाँ से मैं बंद कर दिया। तो इसके अंदर सिर्फ हल्का सा डिले रह रहा है, और रिपीट के साथ में ये आ गया, ठीक है ना। हेलो चेक। तो ऐसे ही आप बाकी माइक्रोफोन के साथ में, यानी दो माइक्रोफोन जो आपको दिए हैं उसमें भी आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, बाकी में आपको ये सादा मिलता है। और जैसे कि मैंने सेलेक्ट करना बताया था आपको स्विच के, आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपका यूएसबी एफएम यानी मल्टीमीडिया में कनेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको जो है वो पूरी चीज़ें डिटेल्स के अंदर दी गई है, ब्लूटूथ दिया गया है, और इसका जैसे कि मैंने रिमोट दिखाया था वो भी दिया गया है। कनेक्शंस भी मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये है फिलहाल में इसकी टेस्टिंग, चलिए बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे टेस्टिंग भी दिखाया गया, इसमें आपको माइक्रोफोन में भी इको मिल जाता है, इको रिपीट सब कुछ इसके अंदर। तो आपका एक तो यहाँ पे मिक्सर का जो खर्चा है वो आपका बच जाएगा इस एम्पलीफायर को लेने के बाद। और यहाँ पे यूजेस यानी स्पीकर्स कौन कौन से, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर आप डबल 12 के बना रहे हैं तो उसमें आप 100 से 150 वाट के स्पीकर्स को यूज में ले सकते हैं। सिंगल 12 में बना रहे तो आपके 200 से 250 वाट के स्पीकर्स आप इसके साथ में इजिली चला पाएंगे। बाकी यहाँ पे मैं जैसे कि आपको पता है कि मैं ये 0 dB यानी रेड वाली लाइट तक भी लेके जा रहा था, तो इसकी जो कि क्वालिटी थी वो नहीं खो रहा था ये। बाकी हीटिंग मुझे यहाँ पे, मैं क्योंकि सुबह से यूज कर रहा था, लाइक इसको मेरे को हो गए होंगे 8 से 9 घंटे कंटिन्यूसली यूज करते हुए, तो हीटिंग मुझे यहाँ पे बस साइड पैनल्स में मिली। लेकिन ये जो हीट सिंक दे रखे हैं ये काफी जल्दी जो है उसको ठंडा कर देते हैं, तो ये एक मेरे को अच्छा लगा। बाकी आपको पता है कि यार इंडियन एम्पलीफायर्स चाहे वो हीट हो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी कंडीशन हो, वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं। बाकी यहाँ पे इंटरनल पार्ट की क्वालिटी जैसे मैंने देखा है, आपको हर एक पार्ट जो है वो इजीली मिल जाएगा इजीली, के साथ साथ ये एम्पलीफायर रिपेयरेबल भी है, फुल्ली रिपेयरेबल है। बाकी आपको कंपनी जो है वो पूरा आफ्टर सेल सर्विस में सपोर्ट भी करती है। बाकी यहाँ पे आपके पास 6 माइक इनपुट हो जाते हैं, 2 आप वैसे कर सकते हैं। फ्रंट पे आपको 6 के लिए अलग यहाँ पे इनपुट मिलता है, पीछे अगर आप ऑक्सिलरी सिलेक्ट करते हैं इन स्विचेस से तो यहाँ पे पीछे जो है वो ऑक्स का जो है वो सॉकेट अलग आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात करते हैं परचेजिंग के लिए, तो दोस्तों ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा, प्राइसिंग डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंशन कर देता हूँ, प्राइस नीचे लिखा है, आप ध्यान से सुन लें, प्राइस नीचे लिखा है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, जैसे चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी एक अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।